वेलकम बैक टू माई न्यू स्टेटस वीडियो। आज हम दिवाली का स्टेटस वीडियो बनाना सीखेंगे, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने होम स्क्रीन पर आ जाना है। आपको अलाइट मशीन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जो आपको अपना प्रोजेक्ट होगा फाइल बिटमार्क का, उसको ओपन करना है। आपको इस प्रोजेक्ट का लिंक हमारे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में जो फॉन्ट वाला इफेक्ट है यहाँ पे आपको ऐड करना है। आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। आपको फिर ये शेक इफेक्ट को ओपन करना है। यहाँ पे जो आपको फॉन्ट वाला जो इफेक्ट है यहाँ पे इस सारे को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको सारे लेयर को कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपको कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी 9 लेयर्स। यहाँ से इसको क्लिक करना है। यहाँ से कॉपी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है। यहाँ पे इसको आप जो लेयर होगा आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपको। ये सारा जो आपका है पेस्ट हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे जहाँ से बीट दिखेगा यहाँ पे आपको फोटो ऐड करना है। तो यहाँ से प्लस वाला आइकन जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जितने भी फोटो हैं एंड तक आपको ऐड कर लेना है। तो हमारा ये सारे जो फोटो है आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ से आपको जाकर डाउनलोड कर लेना है। ये जो सारे इमेज है आपको कुछ इस तरह से एंड तक आपको सेट कर देना है। तो इस तरह से कुछ सेट करने के बाद आपको जो सेकंड वाला बीट यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको जो सेकंड वाला इमेज है यहाँ से इसको जूम करके सेट कर देना है। यहाँ से आपको पूरे एंड तक ऐसे ही इमेज को ऐड करते रहना है। तो हमारा जो इमेज है पहले हम ऐड कर लेते हैं। हमने जो सारे इमेज थे उसको ऐड कर दिया है। अब इमेज में आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो हमने एंड तक जो इमेज ऐड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से बैक आ जाना है। शेक इफेक्ट में आपको आना है। फिर जो आपको एंड में एकदम चले आना है। एंड में आने के बाद आपको कुछ क्या करना है, इस फोटो पर क्लिक करना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है। यहाँ से कॉपी इफेक्ट करने के बाद कहीं पर क्लिक करके बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर बीट मार्क को ओपन करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, जो इमेज है उस इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको इस इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। यहाँ से जो पेस्ट करना है, फिर आपको क्या करना है, इसी तरह से सारे इमेज पर इस इफेक्ट को ऐड करना है। बस इसको ऐड करने के बाद आपका जो है स्टेटस तैयार हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना है।